नमस्कार, एटीएन लाइव के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आज हम आपको कोरोना का अपडेट देंगे। शाम 6 बजे जो हम आपको अपडेट देते हैं, आज है 16 अप्रैल, और 16 अप्रैल को हम आपको कोरोना अपडेट देंगे कि क्या कुछ है ज़िले की कोरोना से जुड़ी हुई खबरें। अपडेट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सोमेश। सोमेश, बताएं कि आज ज़िले की कोरोना से जुड़ी अपडेट क्या कुछ है। सोमेश जी, चंदन आपको बता दें कि सिवान में कोरोना को लेकर सबसे बड़ी और अहम खबर ये है कि पिछले 6 दिनों में अब तक सिवान में एक भी कोरोना के मरीज नहीं मिले हैं। इसके अलावे अब तक जो कुल 29 पॉजिटिव मरीज मिले थे, उनमें से 12 मरीजों की जो रिपोर्ट आई है, दूसरी रिपोर्ट, वो अब नेगेटिव पाई गई है। तो ये सबसे बड़ी और अहम खबर है सिवान सहित पूरे देश के लिए कि पिछले 6 दिनों में सिवान में कोरोना के एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिले हैं, और इसके अलावे कुल 12 मरीजों की दूसरी रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। और अनुमान है कि आगे भी 1-2 दिनों में कुछ और मरीजों की रिपोर्ट, जो दूसरी रिपोर्ट आएगी। सोमेश, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के बीच एक बड़ी खबर सुबह में आई हुई थी कि सिसवन थाना इलाके के मेहंदार में एक पुजारी की हत्या कर दी गई थी, जो कि पूरे वारदात को आप बताएं कि किस कैसे पीट पीट कर हत्या की गई थी उस पुजारी की, और इसके पीछे का कारण क्या कुछ है। सोमेश जी, देखिए, सबसे बड़ी और अहम खबर सुबह लोग की आँख खुलते ही उसके सामने यही आई थी कि मेहदार के एक हनुमान गढ़ी मंदिर है, और मंदिर के पुजारी को रात में पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। सबसे शोचनीय खबर ये है कि मंदिर में चोरों, बताया जा रहा है कि चोरों द्वारा ये पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, लेकिन ऐसे देखने से तो लग रहा है, या सूत्र हमारे जो बता रहे हैं उसके हिसाब से ये जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला लग रहा है, क्योंकि एक साधु से किसी की क्या बैर हो सकती है। जरूर आपसी विवाद होगा और जमीनी विवाद ही लग रहा है। इस पर चाहिए सिवान के पुलिस को कि थोड़ी सी गश्ती बढ़ाए, थोड़ी सी चौकसी बरते, और जो इसके अलावे जो इससे जुड़े जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार कर। सोमेश, इस घटना के बाद से पुजारी की हत्या हो जाती है सिवान में, और लॉकडाउन में जिस तरह से 2-3 घटनाएं घट चुकी, 2-3 लोगों की हत्याएं हो चुकी, आखिरकार सिवान की पुलिस क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ सिवान की पुलिस एक्शन ले रही है। सोमेश, बताया जाए इसके बारे में। जी देखिए, जाहिर तौर से बात है, लॉकडाउन में पूरी तरह से एक तरफ जहां जिला प्रशासन के साथ साथ बाहर से भी कंपनियां मंगाई गई है, और वे सभी चौकस है, और सिवान के जो सिवान में एक नहीं 3-3, 4-4 हत्या हो जाती है इस लॉकडाउन में, ये सबसे गंभीर विषय है। इस पर हमें सिवान पुलिस को चाहिए कि मंथन करे। रही बात करने की, तो सिर्फ हमें लगता है कि वही हो रहा होगा जो पहले से ही चलता आया है। पुलिस जांच करेगी, जाएगी वहां पे, फॉर्मेलिटी पूरा करेगी, जांच करेगी पुलिस उसकी, और जो अपराधी होंगे उनको गिरफ्तार करेगी। तो हमें लगता है कि सिवान पुलिस को जाहिर तौर पे सुबह से सिवान पुलिस को चाहिए कि जिस तरह से लॉकडाउन में इस तरह की घटनाएं घट रही है उस पर विराम लगे, और जो भी हत्यारे हैं वो कानून के शिकंजे में आए और उन्हें जेल भेजा जाए, उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाए। एक चीज़ आपसे सोमेश और हम जानना चाहेंगे कि इसी बीच जैसे कि राज्य सरकार का एक निर्देश आया था, केंद्र सरकार का भी, कि इस कोरोना जैसी महामारी को लेकर के चाहे ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हों या फिर शहरी क्षेत्र के इलाके हों, उसमें जो जनगणना यानी कि सर्वे करने वाली कुछ टीम जाएगी और वहाँ पे एक एक परिवार के एक एक सदस्यों का सर्वे होगी, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है आप हमारे दर्शकों को बताएं। सोमेश, जी देखिए, ये पूरी तरह से बिहार सरकार ने अपने कैबिनेट मीटिंग के बाद से ये स्पष्ट किया और दिशा निर्देश दिया है कि मेडिकल टीम जो बिहार के जो सबसे हॉट स्पॉट जिले घोषित कर किए जा चुके हैं, जहां से मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा भी है, उन जगहों पर उन जिलों के एक एक घरों को जांच की जाएगी, और वहां पे एक फॉर्म भरवाया जाएगा और उसमें सबके हस्ताक्षर लिए जाएंगे कि हाँ, हम आज तक हमारे यहाँ ये मरीज नहीं आए हैं, या फिर मेरे घर कोई यात्रा कोई नहीं किया है। तो ऐसे इसी को लेकर आज से सिवान में भी ये प्रक्रिया शुरू हुई है। आज शहर में देखने को मिल रहा है कि शहर में कई लोग
कि यहाँ मेडिकल टीम जा रही है, वहाँ पे उससे फॉर्म भी भरवाया जा रहा है। थोड़ी देर के लिए सुमेश हम आपको रुकेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक संवाददाता है एएनआई के संवाददाता नजरे आलम, इनको हम जोड़ेंगे। नजरे बताएं कि क्या कुछ स्थिति है सिवान से कोरोना अपडेट से जुड़ी, जिस तरह से एक ही गाँव से 23 लोग आए हुए थे कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हुए थे, फिर आपको शहलौर और कुल मिला जुला करके लगभग 29 की संख्या हो गई थी जिसमें 12 लोग निगेटिव हो गए। अभी क्या कुछ स्थिति, अगर पंजवार की बात कर लें या फिर शहलौर की बात कर लें, वहाँ की क्या कुछ अपडेट खबरें आ रही हैं? देखिए सिवान की बात करें तो पूरे बिहार में सिवान चर्चा का विषय बना हुआ, तो सबसे ज़्यादा मरीज यहाँ से पाए गए थे। और बात करें कोरोना के मरीजों की संख्या की, तो यहाँ पे कुल 29 मरीज पाए गए थे जिसमें 11 मरीज अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, जो खतरे से बाहर हैं उनका रिपोर्ट फिर से निगेटिव आ चुका है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे जिलावासियों के लिए खुशी का विषय है, जिला प्रशासन कहीं ना कहीं इस पर काबू पा चुका है। इसलिए क्योंकि कल तक 29 मरीज थे, आज 17 के आसपास मरीज बचे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है प्रशासन को, और इसमें चाहिए कि आगे भी अच्छे ढंग से काबू का है इस पर। तो आपने सुना सुमेश, ये सर्वदाता एएनआई के जुड़े हुए थे, नजरे आलम थे। एक चीज़ आपसे ये बताइए हमारे दर्शकों को सुमेश, कि पंजवार और शहलौर, खास करके पंजवार की अगर बात करें तो ज़्यादातर संख्या में पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, और जिस तरह से जो रिजल्ट आ रहे हैं निगेटिव मरीजों की अब संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि जैसे कि पीएम मोदी ने यह कहा था कि 20 तारीख तक 3-4 जिले को चिन्हित किया गया है, हो सकता है कि 20 तारीख से कुछ जिले के लोगों को छूट दी जाएगी, ऐसे में क्या सिवान भी उस 4-5 जो जिला है उसमें सिवान भी है क्या, इसके बारे में बताया जाए? अजीत चंदन, आपको विस्तार से बताएं, अपने दर्शकों को बताएं कि जिस दिन मोदी ने ये ऐलान किया था उसके ठीक एक दिन पहले बिहार सरकार ने भी अपना कैबिनेट का मीटिंग किया, और उसमें साफ तौर पे बिहार सरकार ने दो भागों में बांट दिया सभी जिलों को। एक ग्रुप में उनको रखा जहां पर अभी तक एक भी कोरोना के मरीज नहीं मिले थे, और बी ग्रुप में उसको रखा जहाँ पे कोरोना के संदिग्ध पाए गए हैं। तो कुछ छूट रही बात छूट की, तो बिहार सरकार ने खुद ही छूट देने के लिए, कुछ राहत देने के लिए उन जिलों को अधिकृत किया है जिन जिलों में कोरोना के मरीज नहीं पाए गए हैं। इसके अलावे उन जिलों में अभी तक कोई राहत का कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है कि जिनमें कोरोना के मरीज पाए गए हैं। रही बात प्रधानमंत्री ने जैसे ही लॉकडाउन के को बढ़ाने का ऐलान किया, उसके बाद से ही कल गाइडलाइन भी जारी हुआ, उसमें सिवान रखा गया है, उसमें क्या बोलते हैं कि रेड अलर्ट में रखा गया है सिवान को भी, और सिवान भी उसमें लिस्टेड है। लेकिन एक चीज और है कि सिवान के लोगों को राहत, लेकिन जैसे कि सूचना सुमेश, जैसे कि सूचना आई सिवान के लोगों को राहत भी मिल सकती है, जिस तरह से स्थितियां सामान्य हो गई है और लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं, लोग अब समझ रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन का अगर पालन नहीं करेंगे तो ये लॉकडाउन की तिथियाँ बढ़ाई जा सकती है, ऐसे में लोग जो है लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं, और 20 तारीख को जो अगर 20 तारीख तक स्थिति सामान्य रही तो सिवान के भी लोगों को कुछ शर्तों के साथ छूट दी जा सकती है, क्या सुमेश? जी ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि सिवान एक तो पहले ही बिहार का वुहान कहा जाने लगा था कोरोना को लेकर के। अब तक 29 मरीज सामने आ चुके हैं, 12 मरीज वैसे भले ठीक हो चुके हैं, लेकिन जो 17 मरीज हैं वो अभी हैं और जो जांच प्रक्रिया है वो जारी है। इसी बीच एक बड़ी खबर और आ रही है कि सिवान के महाराजगंज में सिवान के जो जिलाधिकारी और SP स्वयं ये लोग दल बल के साथ पहुंचे हुए हैं, और वहां से क्या कुछ खबरें मिल रही है अब तक सुमेश, बताएं कि सिवान के DM अमित कुमार पांडे और SP अभिनव कुमार ये तमाम दल बल के साथ महाराजगंज पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ वहां से अपडेट जानकारी आपको मिल रही है, हमारे दर्शकों तक पहुंचा है? अजी अपने दर्शकों को बता दें कि सिवान के जिलाधिकारी और SP दोनों एक साथ महाराजगंज में अचौक निरीक्षण किया और वहां की स्थितियों का जायजा लिया कि क्या है वहां की स्थिति, महाराजगंज के स्थितियों के नेतृत्व में किस तरह के वहां पे लॉकडाउन को पालन कराया जा रहा है, कितनी सख्ती बरती जा रही है, इन सब को लेकर के महाराजगंज क्षेत्र में उन्होंने दौरा किया और उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बताते चले चंदन कि अभी तक महाराजगंज अनुमंडल क्षेत्र में कोरोना के एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं पाए गए हैं,
तो इसको लेकर और वहाँ पे थोड़ी सी जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है कि अंत में सोमेश आपसे एक सवाल यह होगा कि जिस तरह से एटीएन लाइफ की टीम काम कर रही है और जो असहाय लोग हैं जिन तक खाना नहीं पहुंच सका है, कल जैसे कि खबरें चलाई गई एटीएन लाइफ की खबर का असर हुआ, जिला प्रशासन के लोग राजस्थान के फंसे युवकों के पास राशन और राहत की सामग्री पहुँचाए, तो उन वैसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे एटीएन लाइफ चैनल के माध्यम से? जी हम अपने दर्शकों से कहेंगे, उन सभी लोगों से कहेंगे कि अगर आप कहीं फंसे हुए हैं तो आप हमें संपर्क करें। हमारा नंबर है 9934699581। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, या जो सामान्य लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो उनसे हम अपील करेंगे कि आप प्लीज़ अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। आप देखें कि कौन गरीब है, कैसे कोई रह रहा है, अगर किसी को कुछ जरूरत हो। तो आप सुन रहे थे कि 16 अप्रैल को किस तरह से कोरोना अपडेट जो थे एटीएन लाइव की जो बुलेटिन है, कोरोना से जुड़ी एक एक पल पल की खबरें हम आपको संवाददाता सोमेश के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम किए हैं। और एटीएन लाइव कभी भी इस लॉकडाउन में आप तक पहुंचकर छोटी बड़ी जो भी खबरें वो दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगी। और जाहिर सी बात है कि जो लोग इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं या फिर उन्हें राहत की सामग्री नहीं मिल पा रही है, किसी भी तरह की कोई कठिनाई हो रही है, तो आप एटीएन लाइव के इस नंबर पर 9934699581 पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी आवाज़ को जिला प्रशासन तक पहुंचाएंगे और आपकी आवाज़ को पहुंचाकर और जो भी राहत की जो सामग्री होगी या राहत से जुड़ी जो भी चीज़ें होंगी उसको हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सोमेश आज की जो अपडेट जानकारी है वो देने के लिए।